अच्छा अब यहाँ पे में बहुत है। इसके लिए मैंने एक और चीज मतलब मुझे किसी ने बताई थी कि इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं ना खाते हैं ये जॉइंट्स जो होते हैं उसके लिए जो है बेहतर होता है। क्या है कि अभी ये पैसे का है, मैं साले पहाड़ को पूरा प्लेन कर दूंगा, बिल्कुल दिल्ली से ज्यादा प्लेन बना दूंगा। आपको बताएं जी सर, यहाँ पर नेचुरल सेटअप भी बहुत अच्छा है, अच्छा है। रिसोर्सेज भी इतने अच्छे हैं, लेकिन अच्छा लोग यूज नहीं करते। यूजुअली में वहाँ से आता है सनफ्लावर, ये बर्मा से आता है, म्यांमार से। अच्छा इसके लिए बोल रहे थे, शायद आप बोल रहे थे कि कोई और बोल रहा था कि वहाँ से फायदा एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्चुअली में होती है। यहाँ लोकल भी बन सकता है रोस्टेड सनफ्लावर, यही बात है। हाँ हम लोग उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये लोग नहीं देखते। नहीं देखते, नहीं देखते। यहाँ पर मतलब पोक भी मिलेगा आपको, बीफ भी मिलेगा, हर एक धुआंधार पार्क और बीफ धुआंधार खाया जाता है। चिकन खाया जाता है, उसके बाद फिर मटन है, मटन बहुत कम बिकता है, कम बिकता है, वह आपको बहुत कम मिलेगा। मेन चीज बीफ और पार्क चलता है। नेपाली नहीं खाता, नेपाली नहीं खाता, नेपाली हिंदू, जी 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 हिंदू है ना, तो बीफ और पार्क नहीं खाता है नेपाली। ओके ये सब नेपाली हैं। ठीक, नेपाली तो क्या है कि ये गाय है और उसका ये बछड़ा है यहाँ पर, ये दूध करता है इनका। अच्छा इन्होंने ये गाय जो है वो पाल के रखी है, गाय और ये पाल रखी है। ठीक ठीक, तो यहाँ से गाय का दूध अच्छा मिल जाता है। अच्छा प्योर 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 मिल जाता है, ये मॉर्निंग में दे जाती है पैकेट में बनाकर। अच्छा लोगों को हिंदी मालूम है, कुछ लोग, अच्छा इनको पता है, इनको हिंदी मालूम है, इनको थोड़ा बताओ, यूट्यूब से है, यूट्यूबर है। सर का नाम क्या हुआ? छोटू सिंह। छोटू सिंह, सिंह हो आप? मैं भी सिंह हूँ सर। आप छोटू सिंह, मैं चरणजीत सिंह, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिछड़े हुए भाई थे, ऐसे बोल सकते हैं कि बिछड़े हुए भाई थे और आज मिल गए, और आपसे मिलके अच्छा लगा सर। इस एरिया की फोटो बना रहे हैं यूट्यूब पे। माँ का क्या नाम हुआ? माँ का तो जी 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 जी, अच्छा इनकी माँ हमारी माँ एक ही है, सेम से। हाँ हिंदी वो भी समझते हैं। अच्छा ये कपी की लड़की, अच्छा अच्छा उनकी लड़की, ठीक है, आपकी बहन हुई, ठीक ठीक। और यहाँ पर मतलब आप कैसे रहते हो, रहन सहन? मैं जैसे आपने गाय रखी है तो गाय को मतलब आप आगे जी सर, क्या चीज पैसे देते हैं, शूट करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, गाय के दूध के बहुत है आप दे दो, ये मैं मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ उनको। आप मतलब जहाँ पर गाय को जैसे चराने के लिए लेते हो आगे? नहीं मतलब वो ठेला जो होता है ना, ठेला ठेला, हाँ ठेला से मतलब घास काट के लेके आता है घर पे। ये सब तो बाहर में नहीं चल सकेगा ना। जी 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 जी, ये सब गाय ना बाहर में। लेकिन हमारे हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि गाय को जैसे जंगल में ले जाते हैं, वो तो ले जाता है, हम लोग का प्लान में भी वैसे होता है। आप नेपाल से हो बेसिकली? नहीं हम तो झारखंड से। झारखंड से? झारखंड से, झारखंड नेपाल के। अच्छा वो नेपाल के, आप झारखंड, झारखंड के। ठीक ठीक ठीक। जो गाय इधर का जो गाय ये सब है ना सर, ये तो मतलब नहीं चलने सकेगा। अच्छा मतलब खोल देगा तो कहाँ दौड़ेगा, कहाँ गिर जाएगा, पांव टूटेगा, कोई मतलब नहीं। सही बात है। वहाँ पर मेघालय से होते हुए जी 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 जी, ये सब ना सिर्फ वही घर पे ही बांध के रखना पड़ता है, घर पे घास जो भी घास हो। अच्छा घास में आप क्या क्या देते हो इनको? केले का पत्ता? केले का पत्ता, ये घास गाछ का पत्ता, उसमें फिर दुकान से गुड बाय बोलता है उसको, लाता है चावल, लाता है आटा, लाता है सब मिक्स करके पका के पानी का साथ में घोल के खिलाना। अच्छा तो सिर्फ घास में तो कहाँ पूरा होगा। हम उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में भाड़ा, हाँ। जो गाय को दिया जाता है भाड़ा, सब कुछ मिक्स करके, मिक्स करके आप भी भाड़ा ही बोलते हो? अच्छा हम लोग बर्तन बोलता है इधर, बर्तन बोलता है, बर्तन में सब कुछ उसको घोल के जी 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 उसको पिलाता है, पानी डाल के नमक दे, नमक दे देता है, नमक नहीं देना से नहीं पीता है ना पानी। अच्छा इसीलिए नमक भी देना पड़ता है। जी 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 जी, मुश्किल होगा क्योंकि रीजन है कि अच्छा यहाँ पर सब्जी में जो है वो ये आपने खुद उगाई है, अंदर जा सकते हैं हम? चलो चलते हैं।
ओ ये आपने पूरा मतलब बंद करके रखा है। ये साइड से आपने बंद क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब ओ, मतलब दूसरा आदमी आके ले जाएगा ना। अच्छा, सब्जी में इस ये आ गया ये क्या है? ये लौकी। लौकी ठीक है, इधर धनिया पत्ता है। अच्छा ये आ गया हमारा धनिया पत्ता, देसी धनिया है ये तो। अच्छा ये देसी धनिया, देसी धनिया बीन्स हो गया। हाँ बीन्स हो गया, हमारे तो ये बीन्स भी होता है, धनिया भी होता है। ये क्या है? ये राई पत्ता। अच्छा राई पत्ता, राई पत्ता है। उधर आलू भी लगा के रखा है। आलू, हाँ आलू भी हमारे होता है। लौकी भी हो गया। ठीक ठीक ठीक, हम लोग का तरफ तो राई पत्ता नहीं बोलता, हम लोग का तो सरसों बोलता है ना। सरसों? सरसों है ये वाला की ये वाला सरसों? सरसों तो हमारे भी होता है, सरसों है। जी 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 जी, मतलब राय पता बोलते हैं हम लोग, सरसों बोलते। हाँ हाँ सरसों का, ये हमारे भी होता है। हाँ जी जी, यहाँ पर चरणजीत जी वो क्या कहते हैं कि एवोकाडो भी सस्ता मिलता है। अच्छा, लखनऊ अखनऊ में एवोकाडो 100 रुपए, 100 रुपए एक मिलेगा, यहाँ पर 100 रुपए के 3-4 मिल जाते। हाँ हाँ हाँ, तो ये सस्ते भी है यहाँ। एवोकाडो बहुत डिलीशियस भी है और बहुत। हाँ वो भी देखा मैंने, स्टार फ्रूट वो भी होता है यहाँ। हाँ यहाँ स्टार फ्रूट भी होता है, कुछ चीजें अच्छी हैं यहाँ पर। पपीता पपाया तो आप खाते ही हैं, पपाया जी जी। बहुत होता है। हाँ हाँ, कुछ चीजें बहुत हैं जी जी यहाँ पर। वैसे आप अगर हेल्थ बनाने के आओ तो बहुत अच्छी, बहुत बेहतर है जी जी। क्योंकि हाँ यहाँ के लोग सिटी लाइफ में तो पॉल्यूशन इतना है कि। और यहाँ पर एक और चीज देखी हमने कि लोग ऑयल जो है वो उसका कम इस्तेमाल करते हैं। ऑयल हाँ कम है, ऑयल और नमक कम है। नमक भी कम। हाँ यहाँ लोगों को हार्ट और शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 जी। और क्या होता है कि एक क्या कहते हैं यहाँ पर बर्मा से आता है एक वो सनफ्लावर का रोस्टेड सीड्स आते हैं। अच्छा, तो वो आते हैं, वो मिल जाएंगे यहाँ पर। तो वो क्या होता है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छा, तो क्या उसमें होता है, मायोनिन प्रोटीन होता है। मायोनिन प्रोटीन भी होती है, वो कार्डियल फ्लूइड होता है, उसको मेंटेन करता है। अच्छा, और ओजो राइजोनॉल, राइजोनॉल और राइजोनॉल क्या है, अमीनो एसिड होता है जिसको हम लोग राइजोनॉल बोलते हैं। और राइजोनॉल जो है वास्तव में हमारी मायोटिन मायोनिन प्रोटीन्स होती हैं, उनको उनका यूनिट स्ट्रक्चर है। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट। जी 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 जी, तो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है ठीक, चलते हैं। आइए जाएगा। हां ठीक है, अच्छा बाय बाय। कलोम में मुझे दे दो सर, आपको दिक्कत दे दी। अरे कोई दिक्कत नहीं हम पकड़े हुए हैं, वैसे आप जहाँ तक चलोगे साथ में चलोगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। और कोई हेल्प भी ऐसी कोई है? क्या बोलते हैं, टीक का, सागौन का। अच्छा हाँ, ये हमारे बीच बीच में होता है, ज्यादा नहीं होता। ज्यादा तो नहीं, इनफैक्ट ये सागौन के पेड़ जो है टीक के पेड़ में चौड़ाई ये जितनी होगी ना। जी जी, ये खाता तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, जितना फाइबरस होगा ना वो उतना ही मतलब अच्छा होगा माना जाता है। ये कपिलो खाना बना रहा है, ये कपिलो खाना बना रहा है, ये मतलब मीजो कपी मीजो खाना बनाता है। क्या होता है यहाँ पर, सनसेट जल्दी होता है ना। जी जी जी, सनराइज भी जल्दी होता है। हाँ, तो ये लोग जल्दी ही कर भोजन कर लेता है, यूट्यूब बनाता है, यूट्यूबर। अच्छा अंदर कपी खाना बना रहा है, कपी खाना बना रहा है। अच्छा ये अपने मतलब घर के लिए खाना बना रहे हैं? हाँ, घर के लिए, घर के लिए, लेकिन जल्दी खा लेते हैं ना। अच्छा, लोग खाना खाते हैं 5:30 जैसे हमारी तरफ जैन कम्युनिटी जो होती है 5:30 से 6 के बीच में भोजन करती है, क्योंकि वो मानती ये है ना, यूट्यूब बनाता है चैनल तब उस बात को हिंदी। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? वनल बेना। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। आप जी दूध लेके आए ना? किन ऐसे दूध नहीं, ऐसे मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी। यहाँ अच्छा, यहाँ पर जैसे हमारे वहाँ पर जो है वो क्राइम होता है, जैसे रेप हो गया या फिर चोरी वगैरह हो गई, तो यहाँ पर मतलब महिला प्रधान समाज है ना। अच्छा, यहाँ औरतें नंबर वन है। और एक्चुअल में जिसको नॉर्थ इंडिया में रेप कहते हैं वो यहाँ पे ओपन, तो वो रेप की कंडीशन में नहीं आता। नहीं आता यहाँ पर रेप की कंडीशन में, वो आता नहीं। अच्छा, एक्चुअल में जिसको आप छेड़खानी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, वो यहाँ पे दोस्ती है, दोस्त भी है। अच्छा, इसलिए कोई भाई जब पैसे का कंट्रोल औरत के ऊपर आ गया तो औरत आदमी की तरह हो गई। हाँ ये चीज मैंने देखी है, जैसे मैं मतलब मैक्सिमम पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो महिला प्रधान समाज ही होता है। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने मतलब एक चीज देखी है ना, हमारे जैसे जम्मू में वहाँ पर जो है वो
लड़कियां और लड़कों में थोड़ी मतलब इक्वलिटी नहीं होती काम करने के लिए नॉर्थ इंडिया में, ये हर जगह है ना, कुछ नहीं मतलब लड़कियों की कंडीशन ऐसे माना जाता है कि जैसे ट्रेडिशनली थी ना पहले की घर के अंदर काम काज घर का जो है वो करना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए ज्यादातर महिलाएं पीते, लेडीज बहुत सिगरेट, महिला उसमें कोई अंतर नहीं, अंतर नहीं है, नहीं है। पान वान देखोगे आप मतलब पान नहीं, ड्रिंक सबसे ज्यादा करती है सिगरेट सब लेडीज भी। जी जी जी, कोई ऐसा मिलेगा नहीं जो नहीं पे। जी जी जी, तो क्वालिटी के कारण ही डाइवोर्स केसेस भी बहुत ज्यादा है, केसेस भी इसीलिए। हां मतलब डाइवोर्स क्रिश्चियन कम्युनिटी भी तो है ना, क्रिश्चियन तो वैसे भी लिबरल होते हैं, उनके यहां तो कुछ। और एक तो एक और चीज देखिए, सीआरपीएफ का यहां कैंप है। हां हां, यहां पे इन्होंने एक्चुअली का तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। और एक और चीज मैंने देखी थी यहाँ पर कि देखी नहीं, आज मैं देख रहा था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैमिली मिजोरम में है। हाँ मालूम है, मनपुरी विलेज। चालीस शुक्ला जी कहाँ पर? 39 पत्नियाँ हैं, 39 पत्नियाँ, और अभी तो थोड़े दिन पहले ही वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, फिल्म में जो फैमिली दिखाते थे वो वही। अच्छा, और 94 बच्चे हैं उनके। 94 बच्चे हैं, उनका लकड़ी का काम है, सरेंटियल काम लकड़ी का। और 100 कमरे हैं उनके, मतलब नहीं वहाँ पे रहते हैं वो, घर की वो है मार्केट सब्जी। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर मतलब रेट वगैरह क्या होगा? हाँ, रेट से इनफैक्ट क्या है कि जैसे यहाँ गाजर वाजर ये सब चीजें एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। मामी केराटिन जंग मामी बोली तो मामी मतलब लड़की जिसकी शादी ना हुई। अच्छा, मतलब जिसकी शादी हो गई हो। अच्छा, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है तो लड़की, वो लड़की है मामी कहलाएगी। हाँ, लड़के को मामा, लड़के को मामी कहेंगे, और वो कप्पू और कप्पी कहेंगे मैरिड, शादी हो चुकी जो शादी। अच्छा, कप्पू मतलब कपल, और वहाँ से हम जो है उसको रिलेट कर सकते हैं। मिजो टर्म है, मिजो लैंग्वेज में, मिजो लैंग्वेज में है। अच्छा, कप्पू और कप्पी, जैसे कि ये टमाटर। जी जी, इसका क्या रेट है हिंदी में? मिजो में वो अनमैरिड है, कपी इंजांगे मो साथ मंगे, एग्जैक्ट में एग्जैक्ट कपी बोलेगी, बताओ कपी मिजो साथ मंगे मिजो। हां, इसका हिंदी हुआ जाके इसका रेट क्या है? ये ठीक ठीक, कपी का ही फोटो लो। जम ट्रेन दे दे, ये जमता है, ये जब थाईलैंड से आता है तो बहुत महंगा हो जाता है, अभी तो मिजो में होता है। अच्छा, अब जहां पे चटनी में बहुत टेस्टी है। इसके लिए मैंने एक और चीज मतलब मुझे किसी ने बताई थी कि इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, खाते हैं, ये जॉइंट्स जो होते हैं उसके लिए जो है बेहतर होता है। हाँ, जॉइंट जॉइंट्स के लिए बेहतर। जी जी जी, ये देखो लोकल का टमाटर है, ये लोकल है टमाटर, और ये जो है बाहर का है। एक्चुअली मैं आसाम सिलचर एरिया से बहुत आता है सामान यहाँ। हाँ हाँ हाँ, मेन सब्जी वहीं से आती है, क्योंकि मिजोरम में तो कम है, ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये फूल कोबी बंदा कोबी ऐसा तो ज्यादा असम से आया है। यहाँ की मतलब स्पेशल चीज क्या है, स्पेशल जैसे यहाँ की इधर का? जी 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 जी, कुछ नहीं है, वो तो बहुत है, लेकिन कैसे बोलेगा, सब कुछ भी है, लेकिन मिजो सब्जी भी ना बहुत है, और लेकिन अभी तो उसका सीजन नहीं है, सीजन नहीं है, जून जुलाई ऐसे ज्यादा आता है इधर में तो, मिजोरम में तो। लेकिन अभी तो पूरा तो नहीं, सबसे ज्यादा तो बाहर से आया है सब्जी, तो उसकी वजह से जो है वो मतलब ज्यादा महंगा है, सब कुछ ये सब बाहर से। बाहर से लोकल भी है, ये इधर का मिजोरम का टमाटर का और इसका टमाटर में कितने कलर में डिफरेंस। सही बात है, ये लोकल टमाटर है, पेस्टिसाइड कुछ नहीं है, पेस्टिसाइड कुछ नहीं इस्तेमाल होता है। मेरी कपी और ये कहां से आया होगा? तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी वाला है, ये सब लोकल। हाँ, लोकल का है, पूरा कपी को पूरा हिंदी मालूम है ना, पूरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पता है, क्योंकि ना बाजार में ऐसी सब्जी बिक्री करने से तो ना थोड़ा थोड़ा पता नहीं होने से तो कैसे बिक्री करेगी। अलग अलग आदमी है, एयरपोर्ट है ना, तो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से, इसलिए थोड़ा थोड़ा पता नहीं होने से तो मुश्किल है सब्जी बिक्री करने के लिए। सही बात है।
जी जी ये सरसों सरसों बोलते हो ना आप इसको? हाँ, सरसों तो मिजो मासा में तो अंचम अंचम हाँ अंचम सरसों साग लाई साग अलग अलग ये सरसों ये तो लाई साग ये तो फूल हो गया ना हाँ हाँ ये तो बहुत फूल हो गया तो इसको बोलते हैं हम तो हम बोलते हैं सरसों हाँ और डोगरी में हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज जो जम्मू की हम बोलते हैं सरयां सरयां दा साग सरसों का साग हाँ और यहाँ पर एंटम 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 इसका जो सीड निकलेगा उसको बोलते हैं एंटम सी अच्छा सरसों को मतलब एंटम सी अच्छा एंटम सी हम इसके सीड क्या बोलते हैं उसको तो कुछ बोलते हैं मैं एक्चुअली इस समय नाम जो तो ये है जहाँ की भाई सब्जी मार्केट है और बाकी जो है वो क्लोज कर गए क्योंकि रात को हम थोड़े लेट हो गए ना इस शॉप पे मुझे लेके आए हैं और यहाँ पर जो है वो नॉर्थ इंडिया का सारा सामान जो है वो मिलेगा मिजोरम में अकेली दुकान समझ रही है अच्छा जहाँ पे नॉर्थ इंडिया का सामान नॉर्मली मिलेगा सब कुछ मिलेगा आपको अच्छा अच्छा और हिंदी भी अच्छी जानती है शाम जी अच्छा और सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप ओ लेंगपुई में आइजोल में तो खैर अलग ही है वो तो पूरा कैपिटल सिटी है अच्छा लेंगपुई में मतलब सबसे बड़ा शॉप है वो सबसे बड़ा नहीं वन ऑफ द वन ऑफ द ऐसा मान सकते हैं हम कि मतलब जो नॉर्थ इंडिया है ना उसका सामान जो है वो हर एक सामान मिल सकता है बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर लेते दूसरी बात क्या है ना कि देखिए लेंगपुई का डेवलपमेंट और ये सेटअप इसलिए भी हुआ कि यहाँ पर प्लेन एरिया कुछ मिल गया जो से रनवे बन सकता भाई और कहाँ आइजोल में तो सब आप जानते हो हाइट पे बहुत है बहुत 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 तो एयरपोर्ट बनाने के लिए उतना एक प्लेन का सेटअप चाहिए ना प्लेन जी, जी 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 तो यहाँ 3 किलोमीटर का रनवे है हाँ, हाँ, तो रनवे का प्लेन रनवे चाहिए था तो यहाँ से इसीलिए आइजोल 32 किलोमीटर नॉर्मली आपने देखा होगा एयरपोर्ट 10 से 15 किलोमीटर मेन सिटी से होते हैं यहाँ 32 किलोमीटर इसीलिए थोड़ा दूर है लेंगपुई में मिला लेकिन ये इसी एक्चुअली मैंने एक वो जो काम करने वाले थे ना तो उनको मैंने पूछा कि यहाँ पर बोलते यहाँ पर भी पहले पहाड़ था हाँ, फिर जो है वो इसको काट काट के काट हाँ, काट के जो है, प्लेन किया ये टेबल टॉप एयरपोर्ट तो बहुत ही छोटे पहाड़ आसान था प्लेन थी वैली थी ना जी 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 इसलिए पॉसिबल था क्योंकि आइजोल तो बहुत हाइट पे कंपैरेटिवली है तो वो पॉसिबल मतलब वैसे ही जैसे हमारे वहाँ पे है ना जम्मू में एक त्रिकुटा हिल्स हो गई वो सबसे बड़ी ऊंची ये सूरजमुखी का सीड है एक्चुअली में वहाँ से आता है सनफ्लावर ये बर्मा से आता है म्यांमार से अच्छा इसके लिए बोल रहे थे शायद आप बोल रहे थे कि कोई और बोल रहा था कि वहाँ से ये फायदा एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्चुअली में होती है यहाँ लोकल भी बन सकता है यहाँ लोकल भी होगा लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन वहाँ से ज्यादा आता है माल बहुत बनता है जी 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 और देखो राइस वाला दिखा दीजिए शुक्ला जी एक राइस केक भी आता है अच्छा राइस केक वो भी म्यांमार का ही है अच्छा लोकल तो म्यांमार का बॉर्डर शायद मुझे लगता चंपाई से है मतलब ये सेंटर प्लेस पे ये राइस से मिजोरम के सेंटर में है चूरा होता है ना चूरा हाँ 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 तो चूरे को ही गुड़ और कुछ मिला के बनाता बना जाता है इसमें एग भी होता है अंडा भी अच्छा चाइनीज जैसा कुछ होता है जी 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 राइस केक बोलते हैं मीठा तो प्योर वो चीज तो है ही तो बात नहीं करनी ये तो लोकल का लोकल प्रोडक्ट है मिजोरम का आंवला का जूस अच्छा आमला का जूस ये मतलब कुछ चीजें अच्छी मिलती है ना जैसे देखिए अपने यहाँ रसगुल्ले का वो मिलता है सब मिलेगा आपको पैक्ड भी मिलेगा नॉर्मली क्या होता है तो इसलिए ये आपको वहाँ के पैक्ड सेटअप में मिलेगा यहाँ पेस्ट्री वेस्ट्री और ये सब चीजें मीठे में ज्यादा यूज करते हैं पेस्ट्री वेस्ट्री मिल जाएगी आपको वो केक मिल जाएगा उस तरीके का मीठा भी ज्यादा नहीं और नमक भी ज्यादा नहीं जो हमारे यहाँ भोजन बनाती है अच्छा हम लोग स्पेशल लाइट हेलो ये पढ़ने में तो जीरो काम सेवानी करने में हीरो हैं अच्छा अच्छा हेलो व्हाट्स योर नेम
नाम बता दो। अच्छा हिंदी समझते हैं ये? अच्छा क्या नाम है? अच्छा ये तो अच्छा नाइस नेम, नाइस नेम। ये भी हमारे ऑफिस के हैं। अच्छा नमस्कार सर। एक्चुअली भागलपुर के। अच्छा भागलपुर बिहार। भागलपुर से तो वो है ना एक यूट्यूबर ही है वो जो वो करता है। हाँ एक वो भी है। नो मैन शुभम, नो मैन शुभम। हाँ